आज हम पनीर के बहुत ही टेस्टी से स्नैक बनाने जा रहे हैं और देखने में तो आप देख ही सकते हैं कि ये KFC के एकदम चिकन पॉपकॉर्न की तरह लग रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि हम बनाने वाले हैं 100% वेज पनीर पॉपकॉर्न। और मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए, हमारा जो पनीर है और जो उसकी लेयर है साइड की ऊपर की जो हमने तैयार की है वो एकदम परफेक्ट है। ना तो पनीर से ये अलग हो रही है और ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही पतली। तो आइए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पनीर पॉपकॉर्न की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मिलती रहें मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन। तो यहाँ एक बड़ी बोल में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून मैदा, यानी मैदा और कॉर्न स्टार्च की जो क्वांटिटी है वो हमें बराबर रखनी है। और बढ़िया कलर के लिए मैंने इसके अंदर ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही ऐड करें काली मिर्च, काली मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर और 1 टेबल स्पून अनियन पाउडर। अगर आपके पास में गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर फ्रेश गार्लिक को क्रश करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करें 1 टेबल स्पून ओरिगेनो सीजनिंग और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड करें। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले पनीर पॉपकॉर्न बनाने के लिए अपने इस ड्राई मिक्सचर को तैयार करना है और इसी ड्राई मिक्सचर में हम पनीर को कोट करने वाले हैं। तो ड्राई मिक्सचर के बाद में अब बारी आती है पनीर की। तो यहाँ पर मैंने पनीर को मोटे क्यूब्स में काट लिया है और पनीर को बहुत ज़्यादा इवन शेप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी कटें तो चलेगा, क्योंकि पॉपकॉर्न के साइज़ सब एक नहीं होते हैं, तो इसी तरीके से हमें इनके साइज़ को रखना है। और पनीर जिस समय ऐड करें वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पीसेस को इस ड्राई मिक्सचर में डाल दिया है और इस तरह से हमें इसे अच्छे से घुमाते हुए चारों तरफ से इसे मिक्सचर से कोट करना है। इस तरह से मिक्सचर से कोट करने के वजह से दो फायदे होंगे। एक तो पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही जब हम इसके ऊपर अपना गीला वाला बैटर लगाएंगे तो वो पनीर से हटेगा नहीं। तो यहाँ पनीर को आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राई मिक्सचर से कोट कर लिया है और सारे ही पनीर मेरे कोट होकर तैयार हैं। आप चाहें तो इस स्नैक को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर पहले से स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको इन्हें सर्व करना हो, आपके घर में कोई पार्टी हो, तब आप इन्हें दोबारा से डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। या फिर आप एक बार इन्हें हाफ फ्राई कर लें और वापस से आप चाहें तो इन्हें दोबारा से डीप फ्राई करने की जगह आप एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। और ये स्नैक देखने में इतना बढ़िया लगता है कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसे सर्व करें तो वो यकीन नहीं मानेंगे कि आपने इन्हें घर पे ही बनाया है। तो इस सूखे मिक्सचर में अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, वरना हो सकता है कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। इस मिक्सचर को ना तो हमें बहुत ज़्यादा रनी करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है, क्योंकि अगर ये रनी होगा तो ये पनीर पर चिपकेगा नहीं और बहुत ज़्यादा थिक होगा तो पनीर के ऊपर इसकी बहुत मोटी लेयर आ जाएगी, तो वो भी हमें उस तरीके का पनीर पर लेयर नहीं चाहिए। तो मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की रखनी है। और अगर मान लीजिए आपको आपसे इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा सूखा मैदा या कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर एकदम तैयार है। और इसके अलावा हमें एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ने वाली है और वो है ये कॉर्नफ्लेक्स। ये नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स हैं जो पैकेट में आते हैं, जिसे हम दूध में डाल के खाते हैं, उनको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। इसे मिक्सर में हमें क्रश नहीं करना है, सिंपली हम हाथ से इन्हें क्रश कर देंगे। तो अब हम एक एक करके बैटर के अंदर पनीर के टुकड़े डालते जाएंगे। आप इस काम को चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, बट अगर आप फोर्क से करेंगे तो ये काम और भी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो बैटर में से इस पनीर के टुकड़ों को निकालने के बाद में हम कॉर्नफ्लेक्स में डालकर इसे कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। तो जो ये कॉर्नफ्लेक्स वाला काम है एक्चुअली हाथ से बढ़िया होगा। तो यहाँ पर आप एक जगह आप फोक का इस्तेमाल करें, कांटे का इस्तेमाल करें, और दूसरी जगह आप हाथ का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए पनीर हमारा कोट होकर तैयार है। तो अब बारी आती है इसे डीप फ्राई करने की। तो सबसे पहले हम एक पनीर के टुकड़े को डीप फ्राई करके देख लेंगे। और यहाँ पर तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है, तो हमें ठीक इसी तरह के तेल की ज़रूरत होगी, वरना अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो एकदम से लाल पड़ जाएंगे
और पनीर अंदर तक सिकने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पनीर का टुकड़ा इसके अंदर डाला है वो एकदम परफेक्ट है, ना तो इसकी लेयर हट रही है और ये बहुत ही अच्छे से सिक रहे हैं। तो यहाँ पर तेल में डालने के बाद में हम करछी की हेल्प से इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इन्हें पलटेंगे। एक बार पलटने के बाद में हम करछी की हेल्प से इसे स्टर करते जाएंगे और चारों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इन्हें सिकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं। और इस पॉइंट पर आप चाहें तो इन्हें हाफ फ्राई करके भी निकाल सकते हैं और वापस से इन्हें दोबारा से डीप फ्राई कर लें जब भी आपको इन्हें सर्व करना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी के पनीर पॉपकॉर्न भी मैंने तेल के अंदर डाल दिए हैं और इन्हें मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो इन्हें हाथ के हाथ सर्व करने वाली हूँ। और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो पनीर पॉपकॉर्न बनाते हुए आप दो बातों का ध्यान रखें, एक तो जो बैटर आप कोट करने के लिए बनाने वाले हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, साथ ही तलने के लिए जो तेल हम ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे लाजवाब टेस्टी से पनीर पॉपकॉर्न बनकर एकदम तैयार है। तो मैं तो बनाने के बाद में जल्दी से जा रही हूँ इन्हें खाने। तो आज की इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।